स्वास्थ्य विभाग में 31,000 भर्तियां होंगी। कैलेंडर शीघ्र जारी होगा। प्रदेश के गांव में खाली पद भरने पर जोर। स्वास्थ्य विभाग में पिछले 5 साल की सबसे बड़ी भर्ती की तैयारी है। भर्ती 31,000 पदों पर होगी। स्क्रूटनी खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेसर ने करवाई है। विभाग में 48,000 से ज्यादा पद खाली हैं। पिछली गहलोत सरकार में 23,000 पदों की भर्ती अटक गई थी। अब नई सरकार आने के बाद मंत्री ने गांव पर फोकस करते हुए ग्रामीण इलाकों के सभी खाली पद भरने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में ACS सुब्रा सिंह ने विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भर्तियों की तैयारी की है। अब NHM के 9890 पद मिलाकर 31,000 के जो 10 पदों पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पद बढ़ेंगे कुछ वर्षों के बाद भर्ती होगी। सुविधा नर्स के पहले 1588 पद थे, अब 3,000 है। सुविधा महिला के पहले 2,058 थे, अब 5,058 पद हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता CHO के 4,494 पद थे, अब 6,000 पद खाली हैं। फार्मासिस्ट पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 200 पद थे, अब 300 पद दिए गए हैं। ये पदों की संख्या बढ़ाई गई है दोस्तों। फार्मासिस्ट के 4,057 पद, अगले चरण में 20,546 पदों पर भर्ती होगी। जिसमें फार्मासिस्ट के 4,057 पद होंगे। रेडियोग्राफर के 2,278 पद होंगे। नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, लैब टेक्नीशियन के 2,190 पदों पर और डेंटल टेक्नीशियन के 117 पद, ANM के 4,847 पद और ECG टेक्नीशियन के 247 पद होंगे।